So yo guys, I'm back again with a very new and very interesting video. So guys, this video is gonna be very interesting because in this video I'm going to tell you how to make a game in 20 minutes. Or friends, ye game ek an Angry Birds ke type mein hoga, ek Angry Bird game hoga. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट में चैनल के आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस, आज हम लोग ऐसा ही एक एंग्री बर्ड टाइप का गेम बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज ये कैसा गेम होने वाला है और ये मैं 20 मिनट्स में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। 20 मिनट्स में मैं इसको बनाऊंगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने इसको प्ले किया और ये इसको किया और ये हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हम ये गेम कैसे बनेगा। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हम लोग कैसा गेम बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं जाऊंगा न्यू पे। अभी मैंने टाइमर नहीं ऐड किया, जब हो जाएगा तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा गेम बनाना। मतलब जब ये ओपन हो जाएगा तब मैं टाइमर ऐड करूंगा। तो फिर हम लोग इसका नाम रख देते हैं समथिंग लाइक डिस्ट्रॉय एलियंस। और यहाँ मैं 2D गेम करूँगा और ये यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी इसको खुलने में टाइम लगेगा तो इसको खुलने देते हैं पहले पूरा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखा होगा आपने इससे पहले वाली क्लिप में कि मैं आपको एक एंग्री बर्ड टाइप का गेम बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे न्यू पे और गाइस हम लोग न्यू विंडो खुल जाने देते हैं। न्यू प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पे हमारी न्यू प्रोजेक्ट विंडो खुल लेंगे। यहाँ पे मैंने साइड में टाइमर भी सेट कर रखा है 20 मिनट्स में, क्योंकि मुझे गेम क्रिएट करना है तो साइड में भी टाइमर भी सेट कर रखा है। जब मेरा पूरा यूनिटी सीन खुल जाएगा तब मैं ये टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे हम लोग को 2D गेम बनाना है। प्रोजेक्ट का नेम कुछ जो भी आपको चाहिए रख देते, समथिंग लाइक डिस्ट्रॉय रख दिया। और ये आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन की वो कहाँ लोकेट होगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे अभी ये क्रिएट दबाऊंगा तो फिर गाइस मुझे टाइम लगेगा ये खुलने में। तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे मैंने एक पहले ही एम्प्टी सीन बना रखा है तो इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पूरे इसके एम्प्टी सीन है। यहाँ पे बेसिकली मैंने सिर्फ अभी 3 फोल्डर्स ऐड किए हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। प्रीफैब वाला फोल्डर पूरा एम्प्टी है। स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जो एक स्क्रिप्ट है, न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट, जो जिसमें भी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं स्टार फंक्शन और अपडेट फंक्शन एम्प्टी हैं। और यहाँ स्प्राइट्स हैं जो मैंने ऐड कर लिए ताकि क्योंकि मेरे में स्प्राइट्स को इम्पोर्ट होकर ऐड होने में टाइम लगता है। तो गाइस, अभी हम लोग शुरू करेंगे जैसे ही हमारा टाइमर शुरू होगा। सो 1 2 3 4 स्टार्ट। अभी गाइस, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्प्राइट वाला फोल्डर खोलना है और यहाँ अपना बैकग्राउंड लाना है। ऐसे बैकग्राउंड को सेट कर लेना है। बैकग्राउंड सेट कर लिया हम लोग ने। अब जब बैकग्राउंड सेट कर लिया तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ग्राउंड भी ऐड करना है हमारा। तो यहाँ पे ग्राउंड ला देंगे और ये जो हमारी बैकग्राउंड है उसका पहले नेम दे देते हैं, बैकग्राउंड। और इसकी स्प्राइट रेंडरर में ऑर्डर इन लेयर कर देते हैं -10 सबसे पीछे। ठीक है गाइस, और यहाँ पे अभी हम लोग ग्राउंड टाइल पे आते हैं। इसका स्केल बढ़ा के समथिंग लाइक कर देते हैं 30x30। ओ सॉरी गाइस, या एक्स और वाई पे 30x30 का कर देंगे। इसको थोड़ा
नीचे यहाँ ऐसे ले आएंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कर देंगे। फिर से अब इन दोनों को हम लोग कंट्रोल करके दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस डी और यहाँ पे हम लोग का ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। ठीक है गाइस, हम लोग का ये बन चुका है। अब इसमें हम लोग एक क्रिएट एम्प्टी करेंगे जिसका नाम हम लोग ग्राउंड पहले रीसेट कर देते हैं इस क्रिएट एम्प्टी को रीसेट और इसका नाम कर देते हैं हम लोग ग्राउंड ग्राउंड। ठीक है गाइस, हम लोग ने ग्राउंड कर दिया है और यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको पूरा शिफ्ट करके सेलेक्ट कर लेंगे अपने सारे ग्राउंड टाइल्स को, इसमें ग्राउंड में ऐड कर लेंगे। अब इसमें जो हमारा ये ग्राउंड वाला एम्प्टी चाइल्ड है ये ग्राउंड वाला, उसमें टैग से हम लोग ऐड टैग करके ग्राउंड टैग बना लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एडेड है वो, क्योंकि मैंने उस लास्ट गेम को जब बनाया था तो उसमें ग्राउंड की मुझे जरूरत थी तो अपने आप ऐड हो गया। अब क्या हम लोग को ऐड करना है, अपना कैटापुल्ट। तो यहाँ पे हम लोग कैटापुल्ट को दो हिस्सों में लेंगे और इसका साइज कर देंगे 1.5 बाय 1.5, ऐसे हम लोग कर देंगे। स्किल लेयर समथिंग लाइक हम लोग कर देंगे 1 और इसको थोड़ा ऊपर ला देते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग एक रिजिड बॉडी ऐड करेंगे, रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट और इसको मैक्सिमाइज करेंगे, इसको काइनेमेटिक कर देंगे डायनामिक से काइनेमेटिक। अब क्या करना है गाइस हम लोग को कि यहाँ पे अब हम लोग को कैटापुल्ट फ्रंट करना है, अभी मैं बताऊंगा इसकी लेयर। अब और इसकी इसको हम लोग कर देंगे समथिंग लाइक 3, इसका भी स्केल हम लोग कर देते हैं 1.5 बाय 1.5 और इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करके लगा देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया अच्छे से। अब एक और क्रिएट एम्प्टी करेंगे हम लोग, क्रिएट एम्प्टी और उसका नाम रख देंगे कैटापुल्ट। सबसे पहले इसको रीसेट करते हैं, रीसेट कैटापुल्ट, इसको कैटापुल्ट नेम दे दिया है हम लोग ने और इसमें हम अपने कैटापुल्ट बैग और फ्रेंड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी बॉल ऐड करेंगे। यहाँ बॉल ऐड की, उसकी स्केल कर दिया 2 बाय 2 कर दिया स्केल। अब इसको हम लोग यहाँ ले आके रख देते हैं। अब इसमें हम लोग को जो जो इसकी ले कर देते हैं 2 और अभी इसमें जो जो हम लोग को चाहिए होगा वो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ऐड कंपोनेंट, सबसे पहले रिजिड बॉडी 2D जिसका मास हम लोग को बढ़ा के कर देना है 3। फिर क्या करना है, कोलाइडर, एक सर्कल कोलाइडर, सर्कल कोलाइडर ऐड करना है। सर्कल कोलाइडर पे जाएंगे हम लोग, उसको एडिट कोलाइडर करेंगे और यहाँ पे ये कोलाइडर आ गया है तो इसको इसके साइज का कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने सर्कल कोलाइडर को कर लिया है, एडिट कोलाइडर मोड से हट जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग को चाहिए होगी स्प्रिंग जॉइंट 2D, स्प्रिंग जॉइंट 2D। तो यहाँ पे हम लोग ने स्प्रिंग जॉइंट 2D भी ले ली है और ये आप देख सकते हैं ये कैमरे से कनेक्ट हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैटापुल्ट बैग को ओपन करेंगे और कैटापुल्ट बैग को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये ऑटो कॉन्फ़िगर कनेक्ट ऑन कर देंगे। और गाइस 1 मिनट, और इसकी डिस्टेंस समथिंग लाइक इतनी कर दी हम लोग ने। और अब क्या करेंगे, ये देखिए हम लोग बॉल को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट 2D। और इसको इससे कनेक्ट करना है गाइस, अभी मेरे से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, मेरा टाइम भी जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जान देते हैं, इसमें पहले हम लोग स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। एक स्क्रिप्ट हम लोग ऐड करेंगे, पहले सेट्स पे चले जाते हैं, स्क्रिप्ट ऐड करेंगे जिसका नाम होगा बॉल। बॉल न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट एंड ऐड और बॉल को हम लोग विजुअल स्टूडियो में अपना ओपन कर लेंगे।
में है विजुअल स्टूडियो गाइस, ये खुल बॉल यहाँ पे बॉल आ गया। अब तो फ्रेंड्स हम लोग का टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया इसी में, तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं प्राइवेट डिजिट बॉडी टू डी जिसका नेम हम लोग रख देते हैं समथिंग एस आरबी, फिर एंटर प्राइवेट और इस डिजिट बॉडी इसका नाम रखेंगे स्प्रिंग जॉइन टू डी हम लोग को चाहिए और इसको रख देंगे समथिंग लाइक स्प्रिंग, और एक और चाहिए प्राइवेट बुलियन बूल इस प्रेस प्राइवेट बूल एक्सप्रेस। अब हम लोग को स्टार्ट फंक्शन में क्या ऐड करना है गाइस, वन मिनट, यहाँ पे मैंने ये गलत लगा दिया गाइस, ये हम लोग को हटा देना है प्राइवेट बूल एक्सप्रेस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट फंक्शन में लिखना है हम लोग को आर बी इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम है हमारा डिजिट बॉडी टू डी और ऐसे हम लोग स्प्रिंग के साथ भी करेंगे क्योंकि हम लोग ने प्राइवेट फंक्शन ऐड किया, पब्लिक करते हैं तो हम लोग को ये ना करना पड़ता। गेट कंपोनेंट और यहाँ पे स्प्रिंग जॉइन टू डी और ठीक है गाइस। अब हम लोग को यहाँ दो और फंक्शन बनाने होंगे जिसका नाम होगा प्राइवेट वॉइड ऑन माउस डाउन, और एक चाहिए हम लोग को private void on mouse up। बस हम लोग को इतना चाहिए। आप क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे is pressed, जिसमें कर देंगे हम लोग true, is pressed true, और rb dot is kinematic भी कर देंगे हम लोग true। अभी हम लोग इसको करेंगे कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और ऑन माउस अब पे कर देंगे कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। अब इसमें जो भी ट्रू है हम लोग इसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स और ये भी कर देंगे हम लोग अपना फॉल्स। अभी हम लोग को अपडेट में जाना है और इसमें क्या करना है कि हम लोग को लिखना है इफ स्टेटमेंट ऐड करना है, if is pressed तो ये क्या करे कि rb.position is equal to camera.main.screen2worldpoint और यहाँ पे parentheses ऐड करेंगे और उसमें लिख देंगे input dot mouse position। अभी हम लोग का ये हो गया। अब इसमें हम लोग को एक कोरोटीन भी ऐड करनी है, तो यहाँ पे जाएंगे और इसका कोरोटीन का कोड होता है IE enumerator और enumerator का नेम जो भी release, और इसमें क्या लिखना हम लोग को yield return new और लिखना है गाइस हम लोग को wait for seconds और कितने सेकंड्स के लिए, सेकंड्स होगा हम लोग का 0.15 seconds और इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग को लिखना है यहाँ पे 0.15f और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग get component spring joint 2d और इसको क्या करना है हम लोग को डिसेबल करना है, तो इस डिसेबल कैसे करेंगे, यहाँ पे parentheses dot enabled is equal to हम लोग कर देंगे false
डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे हम लोग इस कोरूटीन का नेम ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे स्टार्ट कोरूटीन, और कोरूटीन का नेम हमारा है रिलीज, और ये हमारा बेसिकली बॉल स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है, उसको कंट्रोल पे सेव से यहाँ पे अपने यूनिटी पे जाएंगे और देख लेते हैं हमारा ये आ गया या नहीं। तो गाइस वो भी आ जाएगा, अभी इंस्पेक्टर पैनल में गाइस ये अभी आया नहीं मेरे में, ये टाइम लेता है थोड़ा लोड होने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है, तो इसको पहले पूरा लोड हो जाने देते हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ जाते हैं अपना स्प्रिंग गन 2D में, और क्या करते हैं इसको डिसेबल करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको कैटापुल्ट बैक का ये यहाँ सेट कर देते हैं, और इसको यहाँ से ऑटो कॉन्फ़िगर कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए। अब इसको थोड़ा पास ले आते हैं बॉल को हम लोग यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब ये हमारी वो लॉन्च होगी, एक बार प्ले करके देख लेते हैं, और सिर्फ 6 मिनट गाइस बचे हैं अभी हम लोग के पास। गाइस लोड हो रहा है अभी मेरे में थोड़ा टाइम लेता है। हाँ तो अभी ये ऐसे यहाँ पे लटक रहा है, तो अभी इसको हम लोग ऐसे करेंगे और ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक गाइस। तो ये अभी हमारा हो रहा है बॉल का थोड़ा ये यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या करना है हम लोग को, अब गाइस हम लोग को इसमें अपना एलियन ऐड करना है, तो फिर हम लोग जाएंगे यहाँ स्प्राइट्स पे, ये एफजी पिलर्स को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एफजी पिलर्स को ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इसको समथिंग लाइक कर देंगे 5x5 का, और इसको जी एक्सिस पे 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। अब इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, इसको इसके हिसाब से थोड़ा सेट कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अभी इसमें हम लोग एक रिजिड बॉडी और बॉक्स कोलाइडर ऐड करेंगे, कोलाइडर बॉक्स कोलाइडर 2D, और एक और कंपोनेंट जिसका नाम होगा रिजिड बॉडी 2D, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग अपनी एलियन शिप ऐड करते हैं, यहाँ पे एलियन शिप ली हम लोग ने, यहाँ आगे इसको समथिंग लाइक कर देते हैं 8x8, और इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे एक कंपोनेंट जिसका नाम होगा रिजिड बॉडी 2D, और एक बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देंगे, कोलाइडर 2D हो गया। अब यहाँ कोलाइडर पे हम लोग जाएंगे और एडिट कोलाइडर पे टैप करेंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा मिनिमाइज यहाँ से करेंगे, और ऐसे यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं, और इसको यहाँ पे सेंटर में यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं। अभी हम लोग को इसको इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी, स्क्रिप्ट का नेम होगा डाई, उसको ऐड कर देंगे, और अरे गाइस सॉरी वो हमारी ऐड हो जाएगी अभी कुछ आधे घंटे में। हम लोग अपने एसेट पे जाएंगे, डाई वाला जल्दी से खोल लेते हैं, जो कि जल्दी खुल गया आज। अब इस बार हमें स्टार्ट अपडेट की जरूरत नहीं है, तो इनको हटा देते हैं, और इसमें लिखना क्या है गाइस हम लोग को, सबसे पहले पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, पब्लिक
गेम ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट का नेम है लिख देंगे हम लोग एलियन, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट एलियन, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग प्राइवेट वॉइड ऑन कोलिजन एंटर 2D, क्या एंटर करना है हम लोग को, इफ कोलिजन डॉट कोलाइडर डॉट टैग इज इक्वल टू किसके, ग्राउंड के, जो हम लोग ने ग्राउंड टैग बनाया था ग्राउंड, देन व्हाट इट शुड डू दैट पेरेंथेसीज में लिख देंगे हम लोग गाइस, और उसको क्या करना है कि इसके अंदर इसको एक फंक्शन कॉल करना है डिस्ट्रॉय वाला, डिस्ट्रॉय, और इसको क्लोज कर देंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, और डिस्ट्रॉय वाला फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, प्राइवेट वॉइड डिस्ट्रॉय, प्राइवेट वॉइड डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय आ गया है तो ऑन डिस्ट्रॉय को हटा देते हैं, सिर्फ डिस्ट्रॉय करते हैं, और क्या करना है डिस्ट्रॉय एलियन, डिस्ट्रॉय एलियन, एलियन, और यहाँ क्लोज कर देंगे। बेसिकली हम लोग का गेम गाइस अंडर 20 मिनट्स हो गया, इसको सेव हो जाने देते हैं, और यहाँ पे वो हम लोग का सेव हो रहा है, एलियन शिप पे जाते हैं, एलियन स्पेसशिप, सो गाइस हम लोग ने इसको अंडर 20 मिनट्स कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें बस एक रेफरेंस देना है एलियन स्पेसशिप को, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक बार प्ले करके देख लेते हैं, गेम इज कंप्लीटेड। अभी गाइस हम लोग इसको और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्ले ये हो गया है, ओ सॉरी गाइस एक मिस्टेक हो गई इसमें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे, ग्राउंड पे जाके एक एज कोलाइडर ऐड कर देंगे, एज कोलाइडर, और एज कोलाइडर को एडिट करेंगे, एडिट एडिट एच कोलाइडर। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम लोग का गेम कंप्लीट हो गया है, वहां पे मैंने एच कोलाइडर को ऐड नहीं किया था, अब देखते हैं गाइस हम लोग। यहाँ हम लोग अपनी बॉल को पकड़ेंगे और ये लॉन्च, और वो हमारी बर्ड डिस्ट्रॉय हो गया। अब थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इफेक्ट्स पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम पे जाएंगे, तो यहाँ पे इसको 5 सेकेंड्स, और इसको कर देते हैं समथिंग लाइक, हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ये हम लोग का हो गया है। अब इसका क्या करना है, एक प्रीफैब बना लेना है, यहाँ हम लोग प्रीफैब बना लेंगे, और इसको इस गेम से हायरार्की से डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया। अब क्या करना है हम लोग अपनी डाई स्क्रिप्ट पे जाएंगे, डाई स्क्रिप्ट पे डालेंगे हम लोग पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और उसका नेम रख देंगे समथिंग लाइक पैटर्न, पैटर्न, और ये हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय फंक्शन पे जाएंगे और लिखेंगे इंसेंशिएट, इंसेंशिएट किसको इंसेंशिएट करना है, यहाँ पे पैरेंथेसिस पैटर्न को इंसेंशिएट करना है, कहाँ पे करना है हमारे वो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन पे, जहाँ पे उसकी पोजीशन होगी ट्रांसफॉर्म डॉट, ट्रांसफॉर्म डॉट। तो गाइस हम लोग का टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा बचा है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, मैंने अंडर 20 मिनट गेम कंप्लीट कर लिया है, आ गया, इसको अभी हटा देते हैं हम लोग, पोजीश ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और क्या करना है हम लोग को एक और चीज डालनी है, क्वाटरनेनियन, वो सॉरी क्वाटरनेनियन डॉट आइडेंटिटी, और ये सॉरी ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म करना है हम लोग को इसको, और ये हम लोग का डन, कंट्रोल प्लस सेव, यहाँ पे हम लोग अपना आ जाते हैं, और यहाँ पे स्क्रिप्ट को
हमारी एलियन स्पेसशिप को सेलेक्ट करते हैं और अभी हमारा ये लोड हो जाएगा पूरा। गाइस बेसिकली हम लोग का गेम अंडर 20 मिनट बन चुका है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मेरा टाइम खत्म हो गया और आपने देखा है कि मेरा कंप्यूटर ने लैग भी किया है। तो अभी जब यहाँ हम लोग डाई वाली स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो यहाँ पार्टिकल सिस्टम को उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, वो तो फिर हम लोग का ये लोड हो जाएगा जल्दी। तो अभी हम लोग ये पार्टिकल इफेक्ट को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और अब क्या करेंगे हम लोग गाइस इसमें, अब इसको मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज, और अब हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारा गेम कैसा बना है। हम लोग ने इसको ऐसे किया, प्ले किया, अभी हम लोग का गेम प्ले होगा। अभी हम लोग अपनी बॉल को सिलेक्ट करेंगे और ये इस पे ड्रैगन ऐसे कर देंगे और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इसका पार्टिकल इफेक्ट भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ और बाय फ्रेंड्स।